मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने कलेक्ट्रेट से सड़क सुरक्षा जागरूकता वाहन एवं रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। कलेक्ट्रेट में परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा NCC व अन्य स्कूली बच्चों की मदद से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में भी शपथ दिलाई। DM ने कहा, सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु किसी महामारी से होने वाली मृत्यु से कहीं अधिक संख्या में होती है। ऐसे में आवश्यक है कि सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करके हम हजारों लाखों लोगों की संख्या में असमय होने वाली मृत्यु को कम कर सकते हैं। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन एवं आसपास घटित हो रही दुर्घटनाओं से सबक न लेते हुए लोग बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहनों को चला रहे हैं, बिना सीट बेल्ट लगाकर चौपहिया वाहनों को चला रहे हैं, यातायात नियमों का पालन न करने पर शर्म एवं बड़प्पन महसूस करते हैं। हालांकि पुलिस भी अपना काम कर रही है, मगर इन पर जागरूकता से ही लगाम लगाई जा सकती है, इसीलिए युवाओं को जागरूक करने का निर्णय किया गया है। DM इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कविता, निबंध, लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन माह भर किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़े और सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों से जनपद में विगत वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी देखने को मिल रही है, परंतु असमय घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने के लिए आवश्यक है कि यातायात नियमों का अच्छे से पालन किया जाए। सर, आज से सड़क सुरक्षा माह आपके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है सर। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। विगत दिवस मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक VC ली गई थी और उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि सड़क दुर्घटनाओं को रोके जाने के लिए समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको इन्वॉल्व करते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। उसके दृष्टिगत आज परिवहन विभाग तथा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक किए जाने की दृष्टि से NCC के बच्चे और अन्य स्कूलों के बच्चों को शामिल करते हुए एक रैली निकाली गई है और 2 प्रचार वाहनों के माध्यम से भी इसको प्रचारित किया जा रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु किसी भी महामारी से भी होने वाली मृत्यु से भी बहुत अधिक संख्या में लोगों को कालकल्वित करती है, तो इस दृष्टि से बहुत आवश्यक है कि सड़क दुर्घटनाओं का न्यूनीकरण किया जा सके। जो स्थापना संबंधी कार्य हैं, जैसे कि सड़क की डिजाइन और कहीं पर ट्रैफिक रेगुलेशन करने के लिए कोई तकनीकी विषय है, तो उन सब विषयों को तो हमारे द्वारा देखा जा रहा है और जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उनको उनका जो कारण था एक्सीडेंट्स का उसे ख़त्म किया गया है, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी जागरूकता का अभाव है। हम रोज देखते हैं कि लोग हेलमेट लगाए बिना, सीट बेल्ट पहने बिना और ओवर स्पीडिंग करके, ट्रैफिक नियमों का पालन न करके अनियंत्रित रूप से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल करें, विशेष रूप से युवाओं को। तो इसके लिए स्कूल के बच्चों को लक्षित किया गया, उनके कैरिकुलम में भी हम इस आशय की व्यवस्था कर रहे हैं। कविता लेखन, निबंध लेखन और डिबेट इत्यादि के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इसके महत्व को समझें। तो कोशिश यही है कि न्यूनीकरण किया जा सके। मुझे कहने में हर्ष हो रहा है कि अलीगढ़ में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो दुर्घटना के कारण मृत्यु हो रही थी उनकी दर में कमी आई है, लेकिन ये सुखद स्थिति नहीं है, इसको बिल्कुल न्यून करना है और शून्य करना है, तो इस नज़रिए से बहुत आवश्यक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, शहर के और देहात के लोगों से, कि वो कृपया अपने परिवारिक जनों को इस बात के लिए सचेत करें। घर से बाहर निकलते समय हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग ना करें और जहाँ तक हो सके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बचें। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको हिकारत भरी दृष्टि उस पर जरूर डालें, ताकि सामाजिक रूप से जो बुराई। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर अपाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर
दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं रेबेन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।